एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। काफी दिनों से मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया, तो आज मैंने सोचा कि शुरुआत कर ली जाए। एक्चुअली परी के बर्थडे के बाद हम लोगों ने घर का इतना सारा काम करना शुरू कर दिया, मतलब कोटेशन लेना शुरू कर दिया। एक्चुअली हम घर का रेनोवेशन करने का सोच रहे हैं, एंड जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया था कि हमने अपना घर खरीद लिया है, इसी घर को हमने बाय कर लिया है, तो ये हमारा हो चुका है। तो हम बहुत सारा रेनोवेशन वर्क शुरू करने का सोच रहे थे, तो इसी चक्कर में हम बहुत सारे कोटेशंस भी ले रहे थे। तो लोगों का आना जाना लगा हुआ था, जैसे कि न्यू किचन लगवाना है उसके लिए, और फिर पेंटिंग के लिए सोच रहे हैं कि घर पे एक अच्छा सा कलर हो जाए। एंड काफी टाइम से ड्यू था ये, और बेडरूम्स में हमने न्यू फिटेड वार्डरोब्स लगाने का सोचा है। तो बहुत सारा काम है, तो इसी चक्कर में लोग आ रहे थे बार बार, और उसके कोटेशंस दे रहे थे, मटेरियल देख रहे थे हम। एंड इसलिए मैं बहुत सारा बिजी थी। तो आज फाइनली आज थोड़ा सा फ्री हो गया, क्योंकि हमने कुछ कुछ चीजें डिसाइड कर ली हैं, एंड विद द कमिंग मंथ्स में फिर काम स्टार्ट होगा। एंड क्योंकि जैसे कि आप ऑर्डर करते हो किचन या कुछ भी उनको बताते हो, तो एटलीस्ट वो 1 से 1.5 महीना ले लेते हैं फिर काम शुरू करने के लिए। तो यही सब चल रहा था। एंड फिर अगर कोई घर पे आते जाते रहते हैं लोग, उनके सामने वीडियो बनाओ तो उनको भी नहीं अच्छा लगता, और फिर थोड़ा बिजी भी हो गया था। एंड फाइनली थोड़े दिनों के, मतलब काफ़ी दिनों के बाद मुझे कल मौका मिला था बाहर निकलने का, और मैं गए थे हम थोड़ी सी शॉपिंग के लिए बाहर, आज़दा वगैरह। तो हम मैंने थोड़ी सी होम डेकोर के लिए चीज़ें भी देखी थी, तो उसका वीडियो आप देखिएगा, मैं इसी में ऐड कर दूंगी। एंड अभी है, आज है मंडे, तो मंडे तो बहुत ही ज़्यादा बिजी भी पापा, रहता है। एंड बस मैंने अभी परी को तैयार कर दिया है, एंड उसके बाल बहुत कर्ली कर्ली लग रहे होंगे, क्योंकि जब भी हेयर वॉश करो तो परी के बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ल हो जाते हैं, फिर थोड़े से ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाल मेनली कर्ली ही हैं। तो अब मैं बना रही हूँ लंच, एंड लंच में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मैं बना रही हूँ आज बैंगन का भरता और पालक की रोटी। यस, पालक को मैंने बॉईल करके रख 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 दिया है, बॉईल हो गया है, और बैंगन भी मैंने भून कर रख दिए हैं। तो बस लंच फिर फटाफट तैयार हो जाएगा, और सिंपल सी चटनी भी बना लूंगी। और परी के लिए मैं सोच रही हूँ मूंग की दाल बनाऊं और राइस। तो यही सब चल रहा है। गाइस, ये है बैंगन जो मैंने भून कर रख लिए हैं, बस मुझे पील करना है और तड़का लगाना है। एंड यहाँ पर पालक भी मैंने हल्का सा ब्लांच कर लिया है, बॉईल कर लिया है, बस ठंडा करूंगी। एंड इसका फटाफट सा एक डो बनाकर तैयार कर लूंगी। एंड यहाँ पर डिश वॉशर में बर्तन सारे मैं रात को लगाना और ऑन करना भूल गई थी, तो वो भी सारे धुल चुके हैं, एंड बस इनको लगाना है। एंड मैंने वॉशिंग मशीन भी सुबह सुबह लगा दी थी, तो ये भी कपड़े भी धुल रहे हैं। तो फुल ऑन मंडे वाला बिजी शेड्यूल चल रहा है, और सारे सारे काम हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर रख लिया है एक पैन, और मैं फटाफट से एक जल्दी वाला ब्रेकफास्ट बना रही हूँ परी के लिए और मेरे लिए। और सबसे पहले मैंने डाल दिया है ऑयल, एंड ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें डालूंगी प्याज, टमाटर और थोड़ी सी राई। ऑयल हो चुका है गरम, तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा थोड़े से फ्लेवर के लिए। एंड अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ऑनियन एंड थोड़ी सी ग्रीन चिली। एंड जैसे ही ऑनियन हमारे हो जाएंगे थोड़े से ट्रांसल्यूसेंट, मैं इसमें ऐड कर दूंगी पीस। सो अनियन हमारे हो चुके हैं ट्रांसलूसेंट, एंड इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी मटर। एंड मटर को हम कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है मटर को, क्योंकि ये फ्रोजन है। एंड मैंने आपको अभी तक बताया नहीं मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ वर्मिसली उपमा और थोड़ी सी वेजिटेबल्स के साथ, जो परी को भी पसंद आता है और मुझे भी अच्छा लगता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटोज, एंड अब इसमें ऐड कर देंगे हम सॉल्ट,
तो जितना सॉल्ट आप पसंद करते हैं, सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने। हाँ, मैं यहाँ का पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ एंड मैं बहुत थोड़ी सी रेड चिली डालूँगी, थोड़ी सी रेड चिली एंड बस, और कोई मसाला हमें डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सिंपल कर दें एंड थोड़ा सा ये पक जाए, हाफ डन हो जाएगा, फिर इसमें मैं वो मिसली ऐड करूँगी। तो क्लोज कर हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे। और साथ ही में मैं मूंग दाल भी बॉईल होने रख दी है, तो मैं उसमें हल्दी और नमक ऐड कर देती हूँ एंड वो भी बॉईल हो जाएगी। और पीछे से परी थोड़ा सा नॉटी हो रही है, चिल्ला रही है। सो बस मूंग दाल भी अब बॉईल हो रही है। सो सब्जियां हो गई हैं थोड़ी सी सॉफ्ट, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वर्मिसेली एंड ये मैंने पहले से पकाई नहीं है और इसको मैं बस ऐसे ही ऐड कर दूंगी। सो मैंने इसमें वर्मिसेली अब ऐड कर दी है, थोड़ा सा मैं इसको टॉस कर रही हूँ एंड बस अब इसमें हम गर्म पानी ऐड कर देंगे एंड थोड़ी सी बॉइल में ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। एंड बस इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड पानी, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, जितना थोड़ा सा समय से ऊपर, ताकि ये थोड़ा परफेक्टली कुक हो जाए। बस अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वीकेंड पे थोड़ी देर के लिए शॉपिंग करने गए थे, तो मैं अभी बस हम वहीं आस्था जा रही हैं और मैं कुछ वहाँ होम डेकोर का सामान देख रही थी, कुछ प्लांट्स थे, कुछ डेकोरेशन आइटम्स थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन मैंने सोचा था कि एक बार हमारा रेनोवेशन जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे डेकोरेशन आइटम और पीसेस और प्लांट्स वगैरह लेकर जाऊँगी। तो यहाँ की कलेक्शन भी ठीक थी और बाकी सब जगह भी मैं जाकर फिर देखूँगी। एंड काफ़ी दिनों के बाद ही हम बाहर निकले थे, तो परी को घूमकर काफ़ी अच्छा लग रहा था और शॉपिंग के बहाने ही सही हम थोड़ा सा बाहर निकल गए थे, तो घर के हाउस होल्ड के आइटम्स वगैरह देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने अब दाल का तड़का तैयार कर लिया है एंड मैंने दाल में तड़का लगा दिया है और अब लंच का टाइम होने ही वाला है, इसलिए मैं लंच सारा तैयार करके रख लूँगी एंड बस लास्ट में मुझे जो रोटी बनानी है, मैंने जो पालक की रोटी सोची है वो बना दूँगी एंड उसके लिए भी मैं आटा बनाकर तैयार कर दूँगी। तो दाल मेरी फाइनल तैयार हो गई है और मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है एंड इसको मैं अब वापस से कुकर में डालकर बंद करके रख दूँगी ताकि ये गर्म रहे एंड फिर हमें ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं यहाँ बैंगन का भरता बना रही हूँ और उसमें मैंने प्याज, अदरक, मिर्ची, लहसुन सब भूनने रख दिया है एंड टमाटर भी रेडी कर लिया है और बैंगन भी छील कर रख लिया है। साथ ही मैं हरी चटनी बनाने के लिए मैंने मिक्सर में जो टमाटर, धनिया रख लिया है एंड पालक को भी मैंने ड्रेन कर ठंडा कर रख लिया है। तो अब मैं भरते में डाल रही हूँ सारे मसाले जो हम सिंपल डालते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर एंड फुल ऑन लंच की जल्दी जल्दी मैं तैयारी कर रही हूँ। और साथ ही मैं अब मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, तो जो भी हमारा बैंगन का सारा मसाला है, प्याज, टमाटर, थोड़ी सी हरी मटर भी डाली है, वो तैयार हो गया है एंड अब मैंने इसमें मैश कर बैंगन को डाल दिया है। बस सबको मैं मिक्स कर दूंगी एंड बैंगन के भरते को अच्छे से भुनने के लिए मैं छोड़ दूंगी, इसे काफ़ी अच्छे से हम भून लेंगे एंड मैं मिक्स कर दूंगी इसे। और काफ़ी अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें मैं धनिया ऐड करूंगी और हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है एंड अब मेरा लगभग लंच रेडी हो चुका है, दाल भी बन गई है, भरता भी और चटनी की तैयारी भी मैंने कर दी है। मैंने सब कुछ चटनी के लिए तैयार करके रख दिया है, लेकिन जब मैं मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तभी मैं उसे फ्रेशली ग्राइंड करूँगी, तो वो फ्रेशली ग्राइंड चटनी अच्छी लगती है। और साथ ही में ये पालक की रोटी बनाने का आटा है।
सो फ्रेंड्स, अब बस मेरे किचन के काम तो चल ही रहे हैं एंड लगभग कंप्लीट ही हो गए हैं। बस मुझे अब मेरे हस्बैंड आएंगे तो खाना तैयार करके उनको देना है। एंड दोस्तों, आप रिलेट कर पाएंगे, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, आप जितना काम का टाइम लगाते हैं किचन का, उससे ज़्यादा ही लग जाता है। वो क्यों? क्योंकि पर इतना परेशान करती है, और जो ड्रॉर्स और जिसमें मैं ऐसा सामान रखती हूँ, डिनर सेट्स वगैरह जो मैं इतनी मतलब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें से सामान निकाल निकाल कर परी फेंकती है, और फिर मुझे रोज वो लगाना पड़ता है। सो इतनी सारी शैतानियां करती है मेरी बच्ची। और आजकल हम एक सीरीज देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, मनी हाइस्ट, और काफी हमें पसंद भी आ रही है। और इसी तरीके से हम अपना शाम को कुछ सीरीज लगा लेते हैं या परी के साथ खेल लेते हैं, ऐसे ही टाइम पास करते हैं। एंड आप लोगों ने भी एक सुना होगा, एक नई मूवी आने वाली थी परिणीति चोपड़ा की, नेटफ्लिक्स पे ही वो थी कि द गर्ल इन द ट्रेन, एंड वो भी बहुत ही अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने उसका जो इंग्लिश वर्जन, वो जो इंग्लिश गर्ल इन द ट्रेन है, उसे अगर नहीं देखी है तो उनको ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छी थ्रिलर और सस्पेंस वाली मूवी है, और काफ़ी दिनों बाद काफ़ी अच्छी एक मूवी आई है, तो देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। कल हमने वो मूवी देखी थी एंड बहुत मज़ा आया। बस अब मैं थोड़ी देर में खाना लगा दूंगी एंड परी को मैं फिर जल्दी से सुला भी दूंगी। अगर एक आफ्टरनून की वो नैप ले लेना तो सही रहता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि शाम को वो सोती है तो फिर वो रात को देर में उठती है, फिर डिनर और सब लंच डिनर का टाइम उसका उलट पुलट हो जाता है। तो मैं उसको जल्दी से लंच कराकर उसको एक सुला दूंगी ताकि वो नैप ले ले, और आई थिंक उसको नींद भी आने ही लगी है। फ्रेंड्स, ये है मेरी सिंपल सी वेज थाली जो तैयार हो गई है, जिसमें है बैंगन का भरता, दाल, राइस, पालक की रोटी, पापड़ है, चटनी है, एंड थोड़ा सा मैंने प्याज भी कट कर लिया है। सो दोस्तों, मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्द आपको अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल के बाकी वीडियोस देखते रहें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। बाय बाय परी से, बाय 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 फ्रेंड्स।